हेलो बच्चों, अब आप ये क्वेश्चन देखिए। कैंटिलीवर बीम पे एक क्वेश्चन है जहाँ पर मैंने फ्री इन पे एक लोड दे दिया है, ठीक। फिर एक मोमेंट भी वहाँ पे लगा दिया है WL/2 का, ठीक। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ए से बी की दूरी एल मीटर, बी से सी की दूरी एल मीटर, ठीक। और बी पॉइंट पे भी मैंने एक मोमेंट दिया है WL। आपको बताना है SFD BMD बना के। एक बार आप वीडियो रोक दीजिएगा मेरा। और खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो रोका होगा आपने, ठीक है। तो अब आप इस मूवमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जितने मूवमेंट लगे इसको सॉल्व कर, कैंटिलीवर भी में ना तो फिक्स एंड पे एक मोमेंट आता है। तो मोमेंट कितना आता है? जितना मोमेंट इस बीम पे आता है उसका अपोजिट में इस मोमेंट कैंटिलीवर बीम के फिक्स एंड पे मोमेंट आता है। तो पहले मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। क्लॉक वाइज जा रहा है ना, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, सॉरी सॉरी, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है। एंटी क्लॉक का मतलब माइनस माइनस WL/2। ये भी एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, माइनस WL। अभी देखो ये डब्ल्यू लोड लग रहा है ना, डब्ल्यू लोड लग रहा है। फिक्स इंड से कितना है? 2L की दूरी है, तो प्लस W×2L। इसको मोमेंट कहते हैं, निकालते हैं। मोमेंट कैसे निकालते हैं? मोमेंट के जो लोड लग रहा है, ठीक है, और फिक्स इंड से जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं, उससे दूरी कितनी है? 2L की दूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने मोमेंट को बता दी। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट तुम्हारा आ जाएगा 2WL से WL माइनस होगा WL, तो WL माइनस WL/2, 2WL WL WL/2 पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इस पे जो मूवमेंट आ रहा है इस बीम पे WL/2 क्लॉक वाइज आ रहा है, ठीक है, WL/2 क्लॉक वाइज। तो बीम पे कितना, इस फिक्स इन पे मूवमेंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉक वाइज। इसको ऐसे करके दिखा, एंटी क्लॉक वाइज कितना आएगा? WL/2। समझ में आया मूवमेंट WL/2? ओके ओके, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। अब यहाँ पे लोड लग रहा है ना, डब्लू लोड लग रहा है ना, डब्लू डब्लू लोड है। तो अब इस पे रिएक्शन कितना आएगा? डब्लू, ठीक है। अब हमारा बन गया SFD BMD के लिए तामझाम, पूरा मसाला तैयार है। अब हम बनाते हैं SFD। एक अनाउंसमेंट है, जितने लोग नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको वेरी वेरी थैंक यू, ठीक है। और जितने मैकेनिकल वाले हो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो यार। बीटेक अपने कॉलेज में बताओ कि हाँ एक खड़ूस मास्टर मिल गया है, ठीक है। SFD अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव। अब ये W ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो SFD में कितना ऊपर जाओगे? W W। और अब यहाँ बीच में कोई कंसंट्रेटेड लोड नहीं है, मूवमेंट पे मत ध्यान देना। शियर फोर्स डायग्राम में सिर्फ लोड, कंसंट्रेटेड लोड पे ध्यान दो। अब ये देखो लोड कहाँ पे है? इस जगह पे है, 2L पे है, तो 2L पे चले जाओ। और यहाँ पे W, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव में शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, W यहाँ पर। अब हम डिजाइन करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या डिजाइन करेंगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या डिजाइन करेंगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे डिजाइन करेंगे? देखो WL/2 कितना आ रहा है, WL/2 कितना आ रहा है? WL/2 आ रहा है एंटी क्लॉक वाइज। हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉक वाइज को पॉजिटिव माना है, तो एंटी क्लॉक वाइज में आ रहा है, तो नीचे आ जाओ। नीचे दिखेगा कि नहीं तुमको? आराम से दिखेगा, आराम से। तो WL/2 नीचे आ जाओ, WL/2, WL/2 नीचे आए, ठीक है। अब देखो WL/2 नीचे आए मगर बी पॉइंट पे मूवमेंट लग रहा है, बी पॉइंट पे। अब बीच में नहीं ना कोई मूवमेंट है, ए पॉइंट पे तो लगा लिया WL/2। अब ए से बी में कोई मूवमेंट नहीं, अब बी पे मूवमेंट आ रहा है। बी पे मूवमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है? WL। और तुम कितना नीचे हो? आधा हो। तो आधा पहले जाओगे फिर ऊपर जाओगे, तो कैसे जाओगे?
ऐसे जाओगे कि ऐसे जाओगे? कैसे जाओगे? जाओगे आप ऐसे, डब्ल्यू एल बाई टू है तो आप ऊपर जाओगे, ठीक है, आप जाओगे ऊपर, डब्ल्यू एल बाई टू है आधा गए ऊपर, ठीक है, बन गया सीधा में। ठीक, अब यहाँ पे देखो, एक मोमेंट देखो, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव, मगर यहाँ पे मोमेंट कैसा है? मोमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। मोमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। मोमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो कितना जाना है? डब्ल्यू एल बाई टू पॉजिटिव है, कितना जाओगे? डब्ल्यू एल बाई टू, क्योंकि बराबर रहे, क्योंकि डब्ल्यू एल बाई टू आए थे और डब्ल्यू एल बाई टू ऊपर गए थे, तो डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक, डब्ल्यू एल बाई टू। मगर बी पॉइंट पे जब तुम देखोगे, खड़ा होगे ना सी पॉइंट पे, तो तुमको दो मूवमेंट दिखेगा, एक तो ये कंसेंट्रेटेड मूवमेंट और एक लोड, लोड की वजह से, लोड की वजह से कितना आ रहा है? बी से सी के बीच की दूरी कितनी है? एल है, तो डब्ल्यू एल कितना आ रहा है? क्लॉक वाइज, और एक कंसेंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है डब्ल्यू एल बाई टू एंटी क्लॉक वाइज। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मूवमेंट एट बी, एक आ रहा है लोड डब्ल्यू की वजह से, डब्ल्यू एल क्लॉक वाइज, डब्ल्यू एल क्लॉक वाइज है पॉजिटिव और ये एंटी क्लॉक वाइज है, तो माइनस डब्ल्यू एल बाई, तो कितना आएगा? डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू आना है। अब डब्ल्यू एल बाई टू कैसे आओगे? डब्ल्यू एल बाई टू यहाँ पे है, ठीक है, तो एक आओगे डब्ल्यू एल बाई टू ऐसे, मोमेंट एट बी कितना लग रहा है? डब्ल्यू एल बाई टू कितना लग रहा है? डब्ल्यू एल बाई टू। अभी डब्ल्यू एल बाई टू और डब्ल्यू एल बाई टू मिलके कितना लगा रहा है? डब्ल्यू एल लगा रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू ऊपर है और डब्ल्यू एल बाई टू कितना है? नीचे। मूवमेंट एट बी कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पे, इस मूवमेंट को यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू आ रहा है ना, तो अब उस चीज को हमने ड्रा करके ले आया ऐसे, ठीक है, और इसको मिला दिया, तो डब्ल्यू एल बाई टू और डब्ल्यू एल बाई टू दोनों मिलके डब्ल्यू एल हो गया, तो ये देखो माइनस प्लस, ठीक है, ये चीज हमको पता चली, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर दिखा कितना है? दो। समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं? वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन को बहुत अच्छे जितना दम लगा सकता उतना दम लगा के समझाया, ठीक है, ये हो गई एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हुआ जा रहा है, तुम लोग मेरा सपोर्ट कर नहीं रहे हो, मैकेनिकल सिविल को तो हम छोड़ भी दें, मगर यार तुम मैकेनिकल क्यों यार? तुमको तो मेरा भाई हो, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, कुछ नहीं हो तो मेरे ही ऑडियंस हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।